कैंडी लैंड मूवी शुरू होती है और हम कुछ प्रोस्टिट्यूट को देखते हैं जिनमें तीन लड़कियां और एक लड़का होते हैं जिनका नाम रायली, सेडी, लीव और लिवाई होता है। ये सभी ट्रक स्टॉप पर बैठे होते हैं। तभी एक ट्रक ड्राइवर वहां आता है और इनसे सर्विस लेता है। तभी वहां पर एक कस्टमर आता है जो लिवाई को अपने साथ ले जाता है। इधर सेडी रायली से पूछती है कि क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है। ये सुनकर रायली कहती है कि उसके पेट में काफी दर्द हो रहा है। तभी वहां पर एक गाड़ी आकर रुकती है जिसमें से एक फादर बाहर निकलता है जो कि एक कल्ट रन करता था और उसकी गाड़ी में कई सारे बच्चे भी बैठे होते हैं। तभी वो उनके पास आता है और उसे एक बुक देता है और उन सभी को अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए कहता है। वो उनसे कहता है कि इससे तुम्हारे सारे पाप माफ हो जाएंगे जो भी तुमने पास्ट में किए हैं। ये सुनकर रायली उससे कहती है कि वो अपनी मर्जी से ये काम कर रहे हैं तो इसमें उसे इतनी प्रॉब्लम क्यों है। ये सुनकर फादर को काफी बुरा लगता है और वो गुस्से में अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। तभी हम उस गाड़ी में रेमी नाम की एक लड़की को भी देखते हैं जो उन प्रोस्टिट्यूट्स को देखकर काफी गुस्सा होती है। अब रात में वो सभी अपने रूम में जाती हैं। तभी सेडी को वहां पर नोरा नाम की लेडी मिलती है। दरअसल नोरा उनकी मकान मालिक होती है जो कि वहां पर वो ग्रुप चलाया करती थी। यहां नोरा उससे कहती है कि 8 बजे एक कस्टमर आने वाला है तो इसीलिए तुम अपने रूम में तैयार होकर बैठी रहना। इसके बाद सेडी अपने रूम में जाती है और नहा कर तैयार होने लगती है। जब वो रेडी होती है तो तभी उसे वही बुक मिलती है जिसमें लिखा होता है कि लोग जल्दी से इस ग्रुप में जुड़ जाएं, नहीं तो पाप बढ़ने से सबका अंत हो जाएगा। ये देखकर सेडी उसे वहीं पर रख देती है और अपने कस्टमर को सर्विस देने के लिए निकल जाती है। अगले दिन लिव और सेडी उस ट्रक स्टॉप पर बैठे होते हैं। तभी वहां पर एक शेरीफ आता है जिसका नाम रेक्स था जो कि उन्हें पहले से जानता था। तभी वो लिवाई को अपने साथ चलने के लिए कहता है क्योंकि वो उसे काफी पसंद था। फिर लिवाई उस शेरीफ की कार में बैठ जाता है जिसके बाद शेरीफ उसे अपने अड्डे पर ले जाता है जहां पर वो उससे सर्विस लेता है और काम करने के बाद वो उसे पैसे देता है। इधर सेडी जब अपने कस्टमर के पास से वापस आती है तो वो अपनी जगह पर एक लड़की को बैठा हुआ पाती है। जब वो उस लड़की को देखती है तो उसे पता चलता है कि ये तो वही लड़की है जो कल उन्हें उस गाड़ी में दिखाई दी थी। सेडी उससे पूछती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। इस पर वो लड़की उसे बताती है कि उसका नाम रेमी है और वो उस कल्ट से भागकर यहाँ पर आई है क्योंकि वो अब उनके साथ काम करना चाहती है और यहाँ रहकर उनके साथ मजे करना चाहती है। इधर रायली उस स्टॉप के वॉशरूम में होती है। तभी उसे वहाँ खून दिखाई देता है। फिर जब वो उस गेट को खोलती है तो उसे वहाँ पर एक आदमी की लाश दिखाई देती है जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है और तुरंत सेडी के पास जाकर उसे सारी बात बताती है जिससे वो लोग तुरंत शेरीफ को कॉल कर देते हैं। इसके बाद जब शेरीफ वहां आता है तो वो उस आदमी की लाश को देखकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उस आदमी को बुरी तरह स्टैब किया गया था और उसकी आंखें ऊपर की ओर थीं जैसे कि वो भगवान से अपनी गलती के लिए माफी मांग रहा हो। इसके बाद शेरीफ रायली के पास जाता है और उससे पूछताछ करने लगता है। इस पर रायली उसे बताती है कि वो मर्डर मैंने नहीं किया है क्योंकि जब मैं वहां आई तो वो लाश पहले से ही वहां पर पड़ी थी। ये सुनकर शेरीफ उसे कहता है कि मैं जानता हूं कि तुमने ये मर्डर नहीं किया है। इसके बाद शेरीफ उनकी मालकिन नोरा के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारी लड़कियां काफी शरीफ हैं इसीलिए वो ये काम नहीं कर सकती। साथ ही वो बताता है कि उसने लाश को मॉर्ग में भिजवा दिया है और वो केस को यहीं पर बंद कर देगा। इधर सैडी और बाकी लोग रेमी को अपने साथ कमरे में लेकर आते हैं। फिर जब नोरा वहां आती है तो वो सैडी से पूछती है कि ये लड़की कौन है। इस पर सैडी उसे सारी बात बता देती है जिस पर अब नोरा भी उसे अपने साथ रखने के लिए राजी हो जाती है। अगली सुबह ये सभी तैयार होती हैं और अपने काम के लिए निकल जाती हैं, जहां वो उस लड़की को भी अपने साथ ले आते हैं और वो सभी साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं। तभी वो लोग उसे उनके कुछ रूल्स बताते हैं और उसे समझाते हैं कि उसे कस्टमर के बारे में कैसे पता चलेगा कि वो कहां पर है। अब रात में सेडी रेमी को अपने रूम में लेकर आती है और उससे कहती है कि तुम एक बार और सोच लो कि क्या तुम ये काम करने के लिए तैयार हो, क्योंकि वो उसके लिए नोरा से बात करेगी कि वो उसे कुछ और टाइम के लिए यहाँ पर रखे। तभी रात को वहाँ पर एक कस्टमर आता है जिससे वो रेमी को रूम से बाहर भेज देती है। फिर जब नोरा रेमी को रूम के बाहर बैठा हुआ देखती है तो वो उसे अपने कमरे में आने के लिए कहती है। जब रेमी वहाँ आती है तो नोरा उससे कहती है कि आखिर तुमने अपना मन क्यों बदल लिया। इस पर रेमी कहती है कि वो बहुत गलत लोगों के साथ थी और उनके साथ रहकर लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रही थी, इसीलिए वो यहाँ आई है ताकि वो अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सके। ये
सुनकर नोरा उससे अपने कपड़े उतारने को बोलती है और उसकी बॉडी को देखती है। फिर वो उससे कहती है कि तुम काफी सुंदर हो और तुम्हारे लिए तो कस्टमर की लाइन लग जाएगी, जिससे अब नोरा उसे भी अपनी टीम में रख लेती है। अब अगले दिन नोरा रेमी को उसका एक रूम भी दे देती है और उससे कहती है कि अब से तुम्हें यहीं पर रहना होगा। ये सुनकर रेमी काफी खुश हो जाती है और फिर उस बेड पर सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम लिवाई को देखते हैं जो देर रात तक काम कर रहा था। जब वो अपने स्टॉप पर होता है तो तभी वहाँ पर एक गाड़ी रुकती है जिसमें से एक आदमी उसे आने के लिए इशारा करता है। इसके बाद लिवाई उस आदमी के पास जाता है और उससे कहता है कि उसे कैसी सर्विस चाहिए। इस पर वो आदमी कहता है कि वो यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए उन्हें एक प्राइवेट प्लेस पर चलना होगा। जिसके बाद वो आदमी उसे एक सुनसान जगह पर ले जाता है और उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। जब लिवाई की आँख खुलती है तो वो देखता है कि वो आदमी उसके साथ कर रहा है। ये देखकर लिवाई को बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो पास में पड़ी एक रॉड को उठाकर उस आदमी को मारने लगता है, जिससे उस आदमी की वहीं पर मौत हो जाती है। इधर नोरा ने रेमी को बताया था कि आज पहला कस्टमर उसके लिए ही आने वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रेमी के पास एक बूढ़ा आदमी आता है जो कि फादर के ड्रेस में आया था। तभी वो रेमी से कहता है कि तुम तो काफी सुंदर हो और आज तक मैंने तुम्हारी जैसी लड़की को नहीं देखा। ये कहने के बाद वो बूढ़ा रेमी के साथ इंटीमेट होने लगता है, लेकिन तभी रेमी उसका गला दबाकर उसे जान से मार डालती है, जिसके बाद वो उसके हाथों को उसके सीने पर रख देती है। तभी वो उस क्रॉस को खोलती है जिसमें एक चाकू रखा होता है, जिससे वो उस बूढ़े आदमी को काटने वाली होती है। लेकिन तभी वहाँ पर सेडी आ जाती है, जिससे रेमी काफी डर जाती है और उस लाश को अपने बेड के नीचे छुपा देती है। तभी सेडी वहाँ आकर उसके गले लग जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हारा फर्स्ट टाइम कैसा रहा, जिस पर रेमी कहती है कि उसका फर्स्ट टाइम बहुत ही बढ़िया था। उसके बाद सभी लड़कियां उसके रूम में आती हैं और सभी सेलिब्रेट करती हैं। इधर लिवाई जब खून से लथपथ घर पहुंचता है तो नोरा उसकी हालत देखकर घबरा जाती है। तभी वो तुरंत शेरिफ को कॉल करती है, जिसके बाद लिवाई शेरिफ को सारी बातें बता देता है, जिस पर शेरिफ कहता है कि तुम मुझे काफी पसंद हो, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर शेरिफ उसी क्राइम सीन पर जाता है जहां वो देखता है कि लिवाई ने उसका सर ही फोड़ दिया है, इसीलिए वो कहता है कि वो इसे एक्सीडेंट का नाम देकर केस को क्लोज कर देगा। फिर वो लिवाई को अपनी गाड़ी में बैठाता है और उसे अपने साथ इंटीमेट होने के लिए कहता है, पर लिवाई काफी सदमे में होता है, इसीलिए वो उसे डांट कर कहता है कि अभी उसका ये करने का मूड नहीं है। ये सुनकर शेरिफ कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, इसीलिए वो नहीं चाहता कि उसे कोई भी चोट पहुंचे। अगली सुबह जब सभी लड़कियां सो रही होती हैं, तो तभी वहां पर वही फादर आता है जो रायली से कहता है कि वो यहाँ पर रेमी से मिलने आया है, क्योंकि उसे पता चला है कि वो यहाँ पर आकर रह रही है। ये सुनकर सभी लड़कियां बाहर चली जाती हैं ताकि वो रेमी से अकेले में बात कर सके। फिर वो रेमी से पूछता है कि आखिर तुम कल्ट छोड़कर यहाँ पर क्यों आई हो, तो रेमी उसे बताती है कि वो अब इन लोगों को सबक सिखाकर ही वापस आएगी, वो यहाँ के सभी लोगों को मार डालेगी क्योंकि ये सभी पापी हैं। तभी वो फादर उससे कहता है कि अब समय काफी नजदीक आ गया है और अब वो यहाँ से जाने वाले हैं, इसीलिए वो उनके साथ चले। ये सुनकर रेमी कहती है कि तुम मेरे बिना कहीं नहीं जाने वाले। तभी वो रेमी के छोटे भाई को उससे बात करने के लिए ले आता है, जो अपनी बहन को उनके साथ चलने के लिए कहता है। इस पर रेमी कहती है कि वो यहाँ पर भगवान का काम करने आई है, इसीलिए वो उसे पूरा किए बिना यहाँ से नहीं जाएगी। अगले दिन सभी उस ट्रक स्टॉप पर बैठे होते हैं, तभी वहाँ पर एक कस्टमर आता है, इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि उसके पास कौन जाएगा। रायली सैडी को उसके पास जाने के लिए कहती है, पर सैडी उससे मना करते हुए कहती है कि वो अभी उन लोगों को हैंडल नहीं कर सकती। ये सुनकर रेमी उससे कहती है कि वो सब कुछ हैंडल कर सकती है, जिसके बाद वो उस कस्टमर के पास जाती है और उसके ट्रक में बैठ जाती है। तभी वो कस्टमर कहता है कि चलो हमें जल्दी करना होगा, क्योंकि उसे जल्द ही यहाँ से निकलना था। तभी रेमी अपने बैग से वही क्रॉस वाला चाकू निकालती है और उस ड्राइवर को स्टैब करके जान से मार देती है, जिसके बाद वो वॉशरूम में जाती है और खून लगे हुए उस चाकू को साफ करती है। लेकिन तभी वहाँ पर लीव आ जाती है जो उसे ब्लड साफ करता हुआ देख लेती है, इसीलिए वो उससे उस चाकू के बारे में पूछती है। ये सुनकर रेमी लीव को भी उसी चाकू से स्टैब कर देती है और उसे मार डालती है। फिर वो बड़ी ही चालाकी से वहाँ से बाहर निकल जाती है
और ट्रक स्टॉप पर जाकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद लिवाई उसके पास आता है जो उसके लिए खाना लाया होता है। जब वो खाना खा रहे होती हैं तो तभी वहाँ पर एक कस्टमर आता है जिस पर रेमी उससे खुद वहाँ जाने के लिए कहती है। फिर वो उस कस्टमर के पास जाती है जहाँ वो कस्टमर उससे कहता है कि उसका फर्स्ट टाइम है। रेमी उससे पूछती है कि आखिर वो ये क्यों करना चाहता है, तो वो कहता है कि उसे बस किसी का साथ चाहिए। पर रेमी उससे कहती है कि ये बहुत बड़ा पाप है। इससे वो आदमी उसे नीचे उतर जाने को कहता है क्योंकि अब वो ये पाप नहीं करना चाहता था। पर तभी रेमी कहती है कि ये सोचना भी पाप है, और तभी वो अपना चाकू निकाल कर उसे स्टैब करके मार देती है। इधर अब रेस्ट स्टॉप में पुलिस को बुलाया जाता है जहाँ उन्हें लिव की लाश मिलती है, जिससे अब सभी लड़कियाँ काफी डर जाती हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि कोई उन्हें मार रहा है। इधर रेमी अपने बेड के नीचे पड़ी हुई लाश को देखकर सो जाती है। तभी कुछ देर बाद वहाँ पर एक कस्टमर आता है जो नोरा के रूप में जाता है, लेकिन नोरा उसे बताती है कि लिव को किसी ने मार दिया है, जिससे वो कस्टमर काफी दुखी होता है क्योंकि वो लिव के लिए ही यहाँ पर आया था। तभी नोरा कहती है कि अगर तुम चाहो तो किसी और लड़की को चूज कर सकते हो, जिस पर वो कस्टमर मान जाता है। फिर नोरा उसके लिए रायली को रेडी करती है, जिससे वो कस्टमर रायली के रूम में आ जाता है। इधर लिवाई जब उदास बैठा होता है तो रेमी उससे मिलने के लिए आती है और गाना चलाकर उसके साथ डांस करने लगती है ताकि उसका मूड ठीक हो सके, और तभी वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। लेकिन तभी रेमी टेबल पर पड़ी एक पेंसिल उठाकर लिवाई को स्टैब कर देती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर वो अपने रूम में जाकर वही क्रॉस वाला चाकू उठाती है और नोरा के रूम में जाने लगती है। तभी नोरा उसे इस हालत में देखकर पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन तभी रेमी उसे भी स्टैब करके जान से मार देती है। इधर सेडी अपनी दोस्त की मौत से काफी सदमे में थी, इसलिए वो अपना सामान पैक करने लगती है। तभी रायली उसके पास आती है और पूछती है कि तुम कहाँ जाने वाली हो, तो वो कहती है कि वो यहाँ से दूर जा रही है। ये सुनकर रायली दुखी हो जाती है और नोरा को ये बात बताने के लिए जाती है, लेकिन वो देखती है कि नोरा का गेट बंद है। तभी उसके सामने रेमी आ जाती है जो खून से लथपथ होती है। जब रायली उससे पूछती है कि उसे क्या हुआ है, तो वो उसे भी चाकू से स्टैब करके मार देती है, जिसके बाद वो उन सभी की लाशों को रूम में लेकर रख देती है और हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना करती है कि उसने अब उन सभी को शुद्ध कर दिया है। जिसके बाद वो वॉशरूम में जाकर नहाती है ताकि वो वापस अब अपने कल्ट में जा सके। इधर सेडी जब वहाँ से जाने लगती है तो उसे उस डायरी में रेमी की फोटो दिखती है जो कि उस कल्ट का हिस्सा थी। तभी वहाँ पर रेमी आती है और उसे भी अपने साथ कल्ट में चलने के लिए कहती है ताकि वो भी शुद्ध हो जाए, लेकिन सेडी उसे मना करती है और बाहर जाकर अपने दोस्तों को आवाज देने लगती है। तभी वो एक रूम में जाती है जहाँ पर उसे अपने सभी दोस्तों की लाशें दिखाई देती हैं, जिसे देख वो समझ जाती है कि ये सब रेमी का काम है। फिर वो रेमी के पास जाकर पूछती है कि तुमने मेरे दोस्तों को क्यों मारा, जिस पर रेमी कहती है कि उसने उन सभी को पवित्र किया है। तभी वो अपना चाकू निकालती है और सेडी को स्टैब करके उसे भी शुद्ध कर देती है। तभी कुछ देर बाद शेरिफ लिवाई से मिलने वहाँ आता है, लेकिन तभी उसे वहाँ पर उन सभी की लाशें दिखती हैं, जिससे वो काफी हैरान हो जाता है। जब वो गन लेकर आगे जाता है तो वो रेमी को देखता है जो रो रही होती है, जिससे उसे लगता है कि शायद रेमी ही यहाँ जिंदा बची है, इसीलिए वो उससे पूछता है कि ये सब किसने किया है। पर रेमी उसे घर छोड़ने के लिए कहती है, जिसके बाद शेरिफ उसे गाड़ी में बैठा कर उसके घर छोड़ने जाता है। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर सभी ने आत्महत्या कर ली है जो कि अब मुक्त हो गए थे। रेमी ये सब देखकर रोने लगती है और कहती है कि तुम मेरे बिना नहीं जा सकते। तभी शेरिफ ये देखकर समझ जाता है कि ये सब रेमी ने ही किया है, इसीलिए वो उसे शूट करने लगता है। पर तभी रेमी उसी चाकू से अपने सीने में स्टैब करके खुद को भी मार लेती है और मुक्त हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।